मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को चट्टी छापा है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी लोकतंत्र का हनन है। दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में आप सभी जानते होंगे। वर्तमान समय में स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप गहरे विवादों में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में कामकाजी बिहारी मजदूरों को लेकर देश भर में भ्रामक और असत्य जानकारियां फैलाने का काम किया और तमिलनाडु और बिहार दो अलग अलग राज्यों के आपसी संबंधों को बिगाड़ने का काम किया। इन्हीं आरोपों को लेकर उनके खिलाफ बिहार सरकार ने कई अलग अलग गंभीर धाराओं में FIR भी दर्ज कर रखी है। बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार पुलिस पूरे देश भर में मनीष कश्यप को तलाश रही थी। मनीष कश्यप के पैतृक निवास पर बिहार पुलिस ने दबिश दी और दबिश देकर उसके पैतृक निवास और उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तुरंत बाद आखिरकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। कुल मिलाकर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप वर्तमान में पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद न केवल बिहार और यूपी में बल्कि पूरे देश भर में माहौल गर्माया हुआ है। सभी लोगों के मन में केवल एक ही बात चल रही है और वो बात है मनीष कश्यप से जुड़ी। गलत नहीं होगा ये कहना कि मनीष कश्यप पूरे भारत देश के इकलौते ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनको चाहने वालों की संख्या सोशल मीडिया पर लाखों नहीं करोड़ों में। अब जैसे ही मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुई है, वैसे ही सोशल मीडिया पर बिल्कुल धमाका हो गया है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप और उनकी खबरों को लेकर लिखनी शुरू कर चुके हैं। एक वर्ग ऐसा है जो खुलकर मनीष कश्यप और उनके जैसे पत्रकारों का खुला समर्थन करता है, तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को चड्डी छाप पत्रकार कहता है और खुलकर उसका विरोध भी कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई मनीष कश्यप की गिरफ्तारी लोकतंत्र का हनन है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार पुलिस की जय हो, जय हो, जय हो।